तेलंगाना में कांग्रेस के केसीआर की पार्टी बीआरएस को जोरदार झटका दिया, क्योंकि बीआरएस के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, जिनमें राज्य के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव भी शामिल हैं। और कुछ महीने बाद तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले कांग्रेस ने बीआरएस को तगड़ा झटका दिया। हालांकि जुपल्ली कृष्ण राव ने कुछ महीने पहले ही बीआरएस छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन वो कांग्रेस में अकेले नहीं आए बल्कि उनके कई समर्थक भी कांग्रेस का हिस्सा बने, जिनमें पूर्व विधायक गुरुनाथ रेड्डी और केआर नागाराजू समेत कई नेता शामिल हैं। इन नेताओं ने दिल्ली में खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा, जिसके बाद कांग्रेस ने संकेत दिए कि अभी बीआरएस और टूटेगी। आने वाले चुनाव में केसीआर को हराने के लिए सब सारे लोग बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में आ जा रहे हैं। इन नेताओं ने पहले प्रियंका गांधी की मौजूदगी में महबूबनगर जिले में होने वाली विधानसभा में कांग्रेस में शामिल होने की योजना बनाई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण कार्यक्रम दो बार रद्द हो गया। तेलंगाना में कांग्रेस के केसीआर की पार्टी बीआरएस को जोरदार झटका दिया, क्योंकि बीआरएस के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, जिनमें राज्य के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव भी शामिल हैं। और कुछ महीने बाद तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले कांग्रेस ने बीआरएस को तगड़ा झटका दिया। हालांकि जुपल्ली कृष्ण राव ने कुछ महीने पहले ही बीआरएस छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन वो कांग्रेस में अकेले नहीं आए बल्कि उनके कई समर्थक भी कांग्रेस का हिस्सा बने, जिनमें पूर्व विधायक गुरुनाथ रेड्डी और केआर नागाराजू समेत कई नेता शामिल हैं। इन नेताओं ने दिल्ली में खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा, जिसके बाद कांग्रेस ने संकेत दिए कि अभी बीआरएस और टूटेगी। आने वाले चुनाव में केसीआर को हराने के लिए सब सारे लोग बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में आ जा रहे हैं। इन नेताओं ने पहले प्रियंका गांधी की मौजूदगी में महबूबनगर जिले में होने वाली विधानसभा में कांग्रेस में शामिल होने की योजना बनाई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण कार्यक्रम दो बार रद्द हो गया। तेलंगाना में कांग्रेस के केसीआर की पार्टी बीआरएस को जोरदार झटका दिया, क्योंकि बीआरएस के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, जिनमें राज्य के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव भी शामिल हैं। और कुछ महीने बाद तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले कांग्रेस ने बीआरएस को तगड़ा झटका दिया। हालांकि जुपल्ली कृष्ण राव ने कुछ महीने पहले ही बीआरएस छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन वो कांग्रेस में अकेले नहीं आए बल्कि उनके कई समर्थक भी कांग्रेस का हिस्सा बने, जिनमें पूर्व विधायक गुरुनाथ रेड्डी और केआर नागाराजू समेत कई नेता शामिल हैं। इन नेताओं ने दिल्ली में खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा, जिसके बाद कांग्रेस ने संकेत दिए कि अभी बीआरएस और टूटेगी। आने वाले चुनाव में केसीआर को हराने के लिए सब सारे लोग बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में आ जा रहे हैं। इन नेताओं ने पहले प्रियंका गांधी की मौजूदगी में महबूबनगर जिले में होने वाली विधानसभा में कांग्रेस में शामिल होने की योजना बनाई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण कार्यक्रम दो बार रद्द हो गया। तेलंगाना में कांग्रेस के केसीआर की पार्टी बीआरएस को जोरदार झटका दिया, क्योंकि बीआरएस के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, जिनमें राज्य के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव भी शामिल हैं। और कुछ महीने बाद तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले कांग्रेस ने बीआरएस को तगड़ा झटका दिया। हालांकि जुपल्ली कृष्ण राव ने कुछ महीने पहले ही बीआरएस छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन वो कांग्रेस में अकेले नहीं आए बल्कि उनके कई समर्थक भी कांग्रेस का हिस्सा बने, जिनमें पूर्व विधायक गुरुनाथ रेड्डी और केआर नागाराजू समेत कई नेता शामिल हैं। इन नेताओं ने दिल्ली में खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा, जिसके बाद कांग्रेस ने संकेत दिए कि अभी बीआरएस और टूटेगी। आने वाले चुनाव में केसीआर को हराने के लिए सब सारे लोग बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में आ जा रहे हैं। इन नेताओं ने पहले प्रियंका गांधी की मौजूदगी में महबूबनगर जिले में होने वाली विधानसभा में कांग्रेस में शामिल होने की योजना बनाई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण कार्यक्रम दो बार रद्द हो गया।